हाय गाइस, ये है विटामिन ई की गोलियाँ और ये कुछ एलोवेरा जेल के पत्ते हैं। ये नेचुरल आपको मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सबके घर में पौधे होते हैं, नेचुरल रहेगा तो सही रहेंगे, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छा बेनिफिट भी देता है। बाजार वालों से बेटर है प्योर एलोवेरा जेल बालों के लिए। इस समय मौसम भी ऐसे हैं, बाल इस समय बहुत झड़ते हैं और ये पर्सनली मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और मुझे फ़ायदा है। एक दो बार आप यूज करेंगे तो आपको खुद फ़ायदा दिखेगा। घर पे महंगे महंगे तेल लगाने से अच्छा है, ये महंगे महंगे ऑयल्स बहुत आते हैं। आप एलोवेरा जेल ले लेंगे, उसको साइड से काट लेंगे, उसके बाद उसको क्रश करेंगे चम्मच से या चाकू से, जिससे भी क्रश करेंगे तो वो कटोरी में उसको आप निकाल लेंगे। आपको मिक्सी में ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छा पतला पेस्ट निकल जाएगा आराम से बालों के लिए। उसको क्रश कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो अपनी फॉरवर्ड की है, फास्ट कर दी है मैंने अपनी वीडियो। आप देखिए किस तरीके से एलोवेरा जेल निकाल रही हूँ मैं, इस तरीके से। ये बालों को आपको जितने आपके बाल हों अपने बालों के हिसाब से इसको आप क्रश कर लीजिए। जितने लंबे आपके बाल हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, फ़िलहाल मेरे बाल तो भी शॉर्ट हैं। आगे मैं वीडियो में आपको बालों को बालों पे अप्लाई करना भी बता दूँगी। और अगर मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही हो तो मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये बढ़िया से ये बालों के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। ये इवियन की जो टैबलेट है, ऐसा ब्रश ले लीजिएगा अगर आपको ब्रश लगाना है, नहीं तो हाथ से अच्छे से अप्लाई होगा। इवियन की टैबलेट है, विटामिन ई की टैबलेट बालों के लिए बहुत बेटर है। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 30 रुपये की आती है, एक पत्ता मिल जाएगा। ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसमें आप बालों के हिसाब से या जितना आपका मटेरियल है उसके हिसाब से आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं 3 कैप्सूल्स इसमें मिक्स कर रही हूँ, इसको मैं इसमें बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। ये काट के ऊपर से इसमें डाल लेंगे। इसको हफ्ते में आप 2 बार अप्लाई करिए, या नहीं, इसको हफ्ते में आप 3 बार अप्लाई करिए, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। इसको अप्लाई करके आप 2-3 घंटे इसको बालों में ही छोड़ दीजिए नहाने से पहले। अगर आप चाहें तो इसमें कोई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे आज ज़रूरत नहीं थी कोकोनट ऑयल ऐड करने की, बाकी मैं भी कोकोनट ऑयल यूज़ करके ही अपने बालों में लगाती हूँ, मिक्स करके ये अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। हाँ, कोकोनट ऑयल आप डाल लेंगे तो उससे और बेटर रिजल्ट आएगा आपका। इसको ट्राई करिए, इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट है। और थंबनेल में जो आप पिक देख रहे हैं वो मेरी ही हेयर की है, रियल। थोड़ी टेंशन लेने की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए, तो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट फॉर्मूला यही है। इसको आप हफ्ते में 3 बार यूज़ करिए और किसी माइल्ड शैम्पू से बाल को अपने धो लीजिए। इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, देख लीजिए ये हाथ से ही क्रश किया हुआ है। अब ये मैं आ गई हूँ, ये बैक साइड में हम देख रहे हैं। ये टी शर्ट आप बदल लीजिएगा, जो भी टी शर्ट हो पुरानी, ये मैं चेंज करके आई हूँ। अपने बाल को सुलझा लिए हैं और ये पेस्ट मैंने अपने हाथ में ले लिया है। और ये पीछे मेरा पार्लर है, मैंने घर पे खोला है, देख रहे होंगे आप। मैंने अपने ही पैसों से अपना पार्लर खोला है घर पे ही। ये पीछे सब लगा हुआ है, यहाँ से मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ से मैंने वीडियो फॉरवर्ड की है, जल्दी जल्दी मैं
जैसे अप्लाई कर रही हूँ आप देख रहे हैं पूरे बालों में। मेरे शॉर्ट हेयर थे तब भी मैंने हाफ बॉयल बनाया है मटेरियल, इसलिए मैं आपको देखिए वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। किस तरीके से मैं अपने बालों में लगा रही हूँ आप देख सकते हैं, और बैक साइड में बैकग्राउंड में मेरा पार्लर है तो उतना ख़ास नहीं है, तो उसको आप वो मत करिएगा। मैंने अपनी ही सैलरी से ये सब किया है, अपने ही पैसों बचा बचा के किया है। ये हो गया, इसको 2 घंटे के लिए आप बाल में अपने छोड़ दीजिए।